गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फर्स्ट आज हम कराएंगे ईवीएस चैप्टर 5 की एक्सरसाइज। फिर सबको अपनी बुक निकालनी है पेज नंबर 21 का। देखो इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये हमारे बॉक्स में दिए हुए हैं, ये वर्ड्स दिए हैं, ये हमें इनमें फिल करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, क्लॉथ, क्लॉथ आवर बॉडी, क्लॉथ हमारी बॉडी को क्या करते हैं बच्चों, कवर करते हैं। क्या आएगा, COVER, ठीक है, ये वाला कवर इसमें फर्स्ट वाली में आ रहा है। सेकंड में देखो, वी यूज्ड डैश टू मेक स्वेटर। स्वेटर किससे बनाते हैं बच्चों, हम किससे बनाते हैं, वूल से। तो क्या आ जाएगा यहां, WOOL, ठीक है। अब थर्ड में देखो, कॉटन क्लॉथ की अस, कॉटन क्लॉथ हमें क्या करते हैं, कैसा रखते हैं बच्चों, कूल रखते हैं, COOL, कूल ठंडा रखते हैं कॉटन क्लॉथ, ठीक है। ये वाला आएगा इसमें थर्ड वाले में। अब फोर्थ में देखो, ड्यूरिंग डैश वी वियर वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ हमें क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ हमें कब पहनने चाहिए, क्यों से मैं कौन से सीजन में पहनने चाहिए हमें, तो कौन से में, विंटर में, ये लिख रहा विंटर सीजन में, ठीक है। WINTER, विंटर सीजन में हमें वूलन क्लॉथ पहनने चाहिए, जैसे हमें गर्मी मिलती है, ठंड नहीं लगती है। फाइव पे देखो, वी वियर डैश टू कीप आवर फीट ड्राई, हम अपने पैर सूखे रखने के लिए क्या पहनते हैं, जिससे हमारे पैर गीले नहीं हो, क्या पहनेंगे हम बच्चों, गम बूट्स। क्या आएगा, GUM, गम, VOOTH, गम बूट्स, ठीक है। समझ में आ गया, फर्स्ट वाले में आएगा कवर, सेकंड में वूल, थर्ड में कूल और फोर्थ पे विंटर, और फाइव पर गम बूट्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, बी वाले में आपके में दिया हुआ है, सबके में आपको बुक में से देखना है सीजन। अब हमें सीजन में बताने कि कौन से सीजन में कैसे कपड़े क्या पहनने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, हमारा समर, रेनी और विंटर। तो समर में हमें क्या पहनना चाहिए, हमारे में फ्रॉक लिखा हुआ है ना, FROCK, फ्रॉक पहननी चाहिए। और क्या पहनना चाहिए, TOP, टॉप पहनना चाहिए, और STIRT, स्कर्ट पहननी चाहिए, ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैंने लिख दिया, यही आप फिल कर लेना अपनी बुक में। अब रेनी सीजन में क्या पहनना चाहिए हमें, रेनकोट और गम बूट, ठीक है। अब विंटर में हम क्या पहनते हैं बच्चों, देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, मफलर लिखा हुआ है, और क्या पहनते हैं, कैप पहनते हैं और सॉक्स पहनते हैं, और भी चीजें पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं ना। तो हमने क्या लिखा है, MUFFLER पहनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये मफलर आपको साफ से नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी बुक में से कर सकते हो, पीछे इसकी स्पेलिंग भी और हमारी बुक में लिखा हुआ भी है, ठीक है। आगे देखिए, मेक राइट एंड करेक्ट सेंटेंस एंड क्लॉज, हमें सही और गलत बताना है, क्या हमारा सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब फर्स्ट पर देखो, कॉटन क्लॉज की अस बात, कॉटन क्लॉज क्या हमें गर्म रखते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, गलत आएगा, क्योंकि कॉटन क्लॉज तो हमें ठंडा रखते हैं, गर्मियों में पहनते हैं कॉटन क्लॉज। सेकंड में देखो, बी वियर ए स्वेटर व्हेन इट रेन्स, सो वी दैट वी डू नॉट गेट वेट, क्या स्वेटर पहनते हैं हम रेनी सीजन में सूखा रखने के लिए, तो ये क्या होगा बच्चों, गलत होगा। उसमें तो हम क्या पहनते हैं, स्वेटर कब पहनते हैं हम, सर्दियों में, और सूखे रहने के लिए हम क्या पहनते हैं, रेनकोट और गमबूट, अम्ब्रेला, ये सब चीज लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड पे देखो, पीपल हु डू दैट दी सेम काइंड ऑफ वर्क वियर यूनिफॉर्म, क्या जो काम करने वाले लोग होते हैं सारे एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो क्या आएगा बच्चों, राइट आएगा थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ में देखो, वी गेट वूल फ्रॉम द वूल प्लांट, क्या हमें वूल वूल प्लांट से मिलती है, नहीं मिलती है, तो इसमें क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। फाइव पे देखो, लेदर इज यूज टू मेक जैकेट, बेल्ट एंड शूज, लेदर से हम क्या बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं और शूज बनाते हैं, ये वाला हमारा राइट आएगा, ठीक है, सारे लिखे हुए हैं। अब डी में देखो, मैच करना है हमें क्लॉथ, कौन से क्लॉथ क्या है हमारे, तो मैंने क्लॉथ नहीं बनाए, आपकी बुक में बने हुए हैं, सबके में मैंने नंबर डाला है और हमारी बुक में भी नंबर डले हुए हैं। तो देखो, फर्स्ट नंबर पर किसकी ड्रेस है बच्चों,
तो ये क्या होती है, एक यूनिफॉर्म होती है। तो किससे मैचिंग करेंगे हम, फर्स्ट को यूनिफॉर्म से इस तरीके से, ठीक है। सेकंड पर क्या है, ये साड़ी सी बनी हुई है ना, तो ये क्या हुई, कॉस्ट्यूम हुई किसी दूसरी जगह की ड्रेस हुई, तो सेकंड वाला इस वाली से मैच होगा, ठीक है। थर्ड में क्या है, थर्ड पर पुलिस की ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म से होगा ये भी, ठीक है। और फोर्थ है, साड़ी सी बनी हुई है ना, किसी की किसी राज्य की ड्रेस हुई है, ठीक है, ऐसे होगा। अब फोर्थ के बाद फाइव पे यूनिफॉर्म बनी हुई है, तो यूनिफॉर्म से करेंगे। सिक्स पे भी यूनिफॉर्म है हमारी, और सेवन पर कॉस्ट्यूम से हमारी, और एट पर यूनिफॉर्म है, और नाइन पर कॉस्ट्यूम, ठीक है। समझ में आया सबको अच्छे से, सबको अपनी बुक में ही एक्सरसाइज फिल करनी है अपनी पूरी, ठीक है। थैंक यू बच्चे।